हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से एग्जांपल नंबर 9.7। आइए स्टेटमेंट रीड करते हैं। अ मैजिशियन ड्यूरिंग अ शो मेक्स अ ग्लास लेंस विद एन इज इक्वल टू 1.47 डिसअपियर इन अ ट्रफ ऑफ लिक्विड। व्हाट इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड? कुड द लिक्विड बी वॉटर? देखिए, इसमें हमें ये दिया जा रहा है कि एक मैजिशियन एक शो के दौरान एक ग्लास लेंस जिसकी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.47 है उसको लिक्विड में डालकर गायब कर देता है, ठीक है, डिसअपियर कर देता है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि लिक्विड की रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है और क्या ये लिक्विड वाटर हो सकता है। तो हमने ये टॉपिक किया है थ्योरी में लेंस इन अ लिक्विड, ठीक है। तो जब कोई लेंस, मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस ही हम ले लेते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस जब लिक्विड में जाता है तो उसका जो सराउंडिंग है एयर की बजाय क्या हो जाता है? लिक्विड हो जाता है, जिसके कारण उसकी पावर कम हो जाती है। पावर कम होने का मतलब होता है फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब वो एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह भी बिहेव कर सकता है, एक कॉनकेव लेंस की तरह भी कर सकता है और प्लेन ग्लास की तरह भी बिहेव कर सकता है। कब ऐसा करता है ये हमने एक्सप्रेशन किया था। उस एक्सप्रेशन को रिवाइंड कराने के लिए सिर्फ मैं आपको ये छोटा सा एक्सप्रेशन दे रही हूं। जैसे ये एक लेंस है जो पहले एयर में था और अभी लिक्विड में है। जब लिक्विड में होगा तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा इसकी फोकल लेंथ का? 1/FL। FL मीन्स फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन द लिक्विड इज इक्वल टू एन 2:1 लिखते थे हम। 2 मीन्स ग्लास, 1 मीन्स जो उसकी सराउंडिंग में लिक्विड है, जो भी मीडियम है, ठीक है। तो यहां हम क्या लिखेंगे? NgL -1, 1/R1 -1/R2। इसको हम राइट कर सकते हैं Ng/NL -1, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं N2:1 को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स N2/N1। ऐसे ही इसको मैंने ओपन किया तो ये बन गया Ng/NL -1। तो जब हम कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं तो ये वाली टर्म तो जीरो नहीं होती है, ठीक है। तो फोकल लेंथ इनफाइनाइट होने के लिए ये टर्म रिस्पॉन्सिबल होती है। कैसे? ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा बट नॉन जीरो आएगा, ठीक है। ये वाली टर्म जब इक्वल हो जाएगी, मतलब एनजी इज इक्वल टू एनएल हो जाए, तब ये फैक्टर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। जब ये जीरो हो जाएगा तो 1/F इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। रिवर्स करेंगे तो क्या लिखेंगे? F इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और F इज इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? F इज इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब होता है पावर का जीरो हो जाना। जैसे कोई एक मीडियम है उस पर रेज आ रही है पैरेलल, ठीक है, तो वो बेंड करता है उन रेज को ऐसा, ठीक है, ये वाले साइड से ऐसा बेंड करता है मान लीजिए। लेकिन अगर ऐसा बेंड किया तो ये दोनों रेज कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी प्रिंसिपल एक्सिस पे। इस पॉइंट को हम फोकस कहेंगे, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लीजिए, तो इसको हम फोकस कहेंगे। तो ये क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ। मतलब इसकी कोई ना कोई पावर होगी। अगर ये पावर जीरो कर दी जाए, जीरो का मतलब ये बेंड ही ना करे। बेंड ही ना करे कब हो सकता है? जब ये रेस स्ट्रेट जाए, ऐसे बेंड ना करे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पावर का जीरो होना, मतलब बीच में किसी स्फेरिकल सरफेस का ना होना, मतलब ग्लास की तरह बिहेव करना कि रे जैसी आई वैसे ही चली गई, कोई स्पीड चेंज नहीं हुई, ठीक है, और कोई बेंडिंग नहीं हुई। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये रेस सीधी चली जाए, इसके लिए क्या होगा? इसके लिए एन जी शुड बी इक्वल टू एन एल, मतलब फोकल लेंथ कैसी होनी चाहिए? इन्फिनिटी। मतलब पावर कैसी होनी चाहिए? जीरो। इसका मतलब जैसी रेज आ रही हैं वैसी ही बाहर आ जाएंगी। अगर हम यहां खड़े हैं तो हमें ऐसा बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि बीच में कोई लेंस गया है। लेंस जाएगा तो इसके अंदर की चीजें हमें अलग नजर आएंगी। लेंस इसके अंदर डालने के बाद दिखाई ना दे, इसका मतलब पहले जो रेज आ रही थी वो वैसी ही आ रही हैं, इस लेंस के इंसर्ट करने के बाद भी वैसी ही आ रही हैं। तो हम क्या परसीव करेंगे? हम लोग ये परसीव करेंगे कि कुछ चेंज ही नहीं हुआ।
तो ये मीडियम जैसा पहले था वैसा ही बाद में लगेगा, इसका मतलब ये लेंस उसके अंदर नजर नहीं आएगा, ठीक है, ये इसके पीछे रीजन है। तो या फिर दूसरे तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब प्लेन ग्लास की तरह जब बिहेव करेगा, मतलब ये कर्वेचर वाला रोल नहीं रहेगा इसका, मतलब ये दोनों मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इक्वल हो जाएगा, तो चेंज इन मीडियम नहीं हो पाएगा। चेंज इन मीडियम कब होता है, जब दो मीडियम होते हैं, मीडियम वन और मीडियम टू। क्या पहचान होती है मीडियम वन और मीडियम टू की, कि इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग होता है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग होता है ना, इसमें स्पीड अलग होगी लाइट की, इसमें स्पीड अलग होगी। ये टुवर्ड्स, अगर ये डेंसर है तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा और ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगा, बट यहां ऐसा नहीं हो रहा है, बेंडिंग नहीं हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, देर इज नो चेंज इन मीडियम। अगर एयर में रे ट्रेवल कर रही है और वो वैसी ही ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब उसका पाथ चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब बीच में कोई मीडियम नहीं आया। यहां भी ऐसा ही होगा, अगर लेंस इंसर्ट करने से पाथ चेंज नहीं होता है तो हमें कोई चेंज नजर नहीं आएगा और हमें लेंस ऐसा लगेगा जैसे लेंस गायब हो गया है, ठीक है। तो ये सब चीजें मैंने यहां पर मेंशन कर दी है। तो ये कब हो सकता है, जब ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और लिक्विड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एक ही हो, मतलब दोनों मिलकर एक ही मीडियम की तरह काम करें, और ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमें दे दिया गया है 1.47, तो इसका भी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए लिक्विड का, 1.47। जबकि हमसे सेकेंड पार्ट में ये पूछा जा रहा है कि क्या लिक्विड वाटर हो सकता है। पहली चीज तो हमें समझ आ गई कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लिक्विड की क्या होगी, जो ग्लास की होगी, ठीक है, टू मेक द ग्लास लेंस डिसअपियर, ठीक है। और दूसरे पार्ट में क्या कहा जा रहा है कि वाटर होगा कि नहीं होगा ये लिक्विड, तो ये चेकआउट करने के लिए वाटर की रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपको याद होगी 1.33 होती है, जो कि 1.47 से कम है, और हमें कैसा चाहिए लिक्विड जिसकी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इसी के बराबर हो। तो हम कहेंगे नो द लिक्विड इज नॉट वाटर, कैन नॉट बी वाटर, कैन नॉट बी वाटर बिकॉज इट्स रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज नॉट 1.47। इट कुड बी ग्लिसरीन, ये सिर्फ मैं आपको मेंशन बता कर रही हूं, क्योंकि ये जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होती है ग्लिसरीन की, वो नियर अबाउट इसके वेरी करती है, ठीक है। तो इट कुड बी दिस मीडियम, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से, आपको आंसर कैसे राइट करना है, आपको ये सब राइट नहीं करना है, ठीक है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए यूज किया है। आप सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स की तरह कब बिहेव करता है, जब इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्लास का लिक्विड से ज्यादा होगा, ठीक है। और प्लेन ग्लास की तरह कब बिहेव करता है, जब दोनों का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कैसा होगा, इक्वल होगा। अगर दोनों का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इक्वल होगा तो ग्लास का हमें दे दिया गया है, लिक्विड का हमसे पूछा गया है, तो हम लिक्विड का बता देंगे, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है आपको। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।